この極つぶしが。はい。でね、どうしたの？なんか。So you think you can't crack a smile? मैं नहीं मानता। For this list, आज हम उन एनिमेशंस की बात करने वाले जो आपको हंसा हंसा के रुला देंगे, चाहे आप सिंपल ह्यूमर पसंद करते हो या फुल नेस्टी स्टफ। So in this video, we are looking for anime that will make you laugh until you cry। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रिंस, आप रहे ताको टॉक्स, बने रहिए, जुड़े रहिए, आज तक देखते रहिए। Simonetta, a warring world where the concept of dirty jokes doesn't exist. A comedy-ish school anime. Dirty jokes, जिसे अपने school life में हर कोई करता है. But अगर सरकार dirty things बोलना और देखना बंद कर दे तो, just like this anime. Government के नए rules से अब Japan में कोई भी dirty things देख और बोल भी नहीं सकता और सभी people के गर्दन पे एक पट्टी लगा दी गई है, जिससे अगर कोई भी bad word का use करता है, तो इस पट्टी के जरिए higher authorities को पता लग जाएगा और वो इन्हें पकड़ सकते हैं. बट विथ काजो, जो एक मोस्ट पावर्ड गर्ल कैरेक्टर है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर सेक्सुअल थिंग स्प्रेड करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो कॉल्ड सॉक्स. एनिमे देखने में काफी मजा आएगा, लिटरली आपको काफी फनी है. एंड मेरी रेटिंग 7.4. उजाकी-चान वांट्स टू हैंग आउट, स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी रोमांस इची एनिमे. खाना उजाकी एक सॉल्टी गर्ल और एक क्यूट स्माइल के साथ, जो कि एक फ्रेशमैन कॉलेज स्टूडेंट है और सिनपाची साकुराई के साथ रियूनाइट होती है, एक अपर मिडिल क्लासमैन जो सेम क्लब में था स्कूल के समय में. हाउएवर सिनाची, जो अपना सारा समय अकेले बिताना पसंद करता है, उजाकी को ये सब देखना पसंद नहीं. उजाकी डज व्हाटएवर शी कैन टू कीप साकुराई फ्रॉम बीइंग अलोन. उसे मूवीज गेम्स के लिए कन्विंस करना और साथ ही उसके पार्ट टाइम जॉब में भी जाके इंटरफेयर करना. वाइल साकुराई फाइंड्स इरिटेटिंग एंड टायरसम, साकुराई फिर भी उसके साथ समय बिताता है. जैसे जैसे दिन बीतता है, रिलेशनशिप उतना ही बेहतर होता जाता है और इतना कि उसके अराउंड पीपल उनको एज अ कपल देखते हैं. एट एनी रेट, व्हेनेवर उजाकी वांट्स टू हैंग आउट विद हर अपर क्लासमैन, फन एंड अडोरेबल वैकीनेस इज श्योर टू फॉलो. एनिमे टोटल 12 एपिसोड्स का, एनिमे रेटिंग 7.1. प्रिजन स्कूल, कॉमेडी इच्ची रोमांस स्कूल सीन एन एनिमे. नाउ दिस एनिमे, ये एनिमे इच्ची और कॉमेडी के हर रूल को ब्रेक करता है. Stop overthinking, Shingo. There's no way. No, it's rather painful. हाचिमासु गर्ल्स एकेडमी, जो कि अब कोएड हो चुका है, जिसमें 5 बॉयज स्कूल को ज्वाइन करते हैं. जैसा कि ये गर्ल एकेडमी है, तो जल्द ही अपने बॉयज पीपिंग के लिए पकड़े जाते हैं, जहां उन्हें पनिशमेंट के लिए एक स्कूल के प्राइवेट सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उनके प्रेसिडेंट उनको स्कूल से निकालने के लिए हर एक चीज ट्राई कर सकते हैं. सो कैन आवर ब्रदर सर्वाइव? फाइंड योरसेल्फ. एनिमे रेटिंग 7.7. इसिकाई क्वार्टेट, अ कॉमेडी फैंटेसी पैरोडी एनिमे. सो इफ यू आर मिसिंग इसकाई एनिमे कैरेक्टर्स, सो हियर इट इज. अच्छी भी टाइप एनिमे, पर एनिमे सीरियसली काफी फनी है, जहां सारे इसकाई एनिमे के कैरेक्टर्स एक साथ है. वन डे नॉर्मली सब एक साथ होते हैं, अपने अपनी बकचोदी में लगे होते हैं, पर तभी एक रेड बटन अपीयर हो जाता है और सब अपने बातचीत करने लग जाते हैं कि पहले उस बटन को कौन प्रेस करेगा. बट नॉट वर्ड, कोई ना कोई उस रेड बटन को प्रेस कर ही देता है. और उस रेड बटन को प्रेस करने के बाद सभी स्काई कैरेक्टर्स अनफेमिलियर वर्ल्ड में आ पहुंचते हैं. सो विथ नो वे ऑफ एस्केपिंग, जहां कैरेक्टर्स को नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना है और साथ ही बाकियों के साथ मिलना भी है. दो वन थिंग इज सर्टन, द क्लासरूम फुल ऑफ फन एंड फेवरेट एसेस्टिक पर्सनैलिटी नेवर गेट्स बोरिंग. एंड मेरी रेटिंग 7.5. Haven't you heard I am Sakamoto? A slice of life comedy school seinen anime. Anime का main protagonist, sophisticated, savage, badass, sublime. ये सारे words इस series के main protagonist को define करने के लिए कम पड़ जाते हैं. Sakamoto एक perfect personality character. अपने पहले दिन ही school के उसके intelligence, attractiveness और charm सभी girls को उसके लिए पागल बना देती है और साथ ही jealousy boys को. सभी बहुत से ट्रिक यूज करते हैं साकामोटो की इमेज को खराब करने के लिए, पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट साकामोटो उनके ही ट्रैप में उनको फंसा देता है, सिर्फ अपने अट्रैक्टिवनेस और इंटेलिजेंस और चार्म की वजह से. सो विल एनी ऑफ साकामोटोस क्लासमेट और इवन टीचर्स बी एबल टू रीच हिज लेवल ऑफ एक्सीलेंस? पॉसिबली नॉट, बट ये सब देखने में आपको काफी मजा आने वाला है. एंड मेरी रेटिंग 7.6. ओके अक्समा,
こちらで本当にお間違いありませんか？いいえ。これも追加で。何？巨人まで来ちゃった！待て！Mr. Osumusu, a comedy parody anime. Show follows Matsuna family, जिसमें 6 character हैं और सभी characters की अपनी-अपनी personalities हैं. Self-concentrated leader Osumatsu, mainly Karamatsu, voice of reason Koromatsu, cynical Ichimatsu, hyperactive Jushimatsu and lovable Todomatsu. सब के सब जो करीब 20 उम्र के हैं और सभी अनएम्प्लॉयड हैं, अपने इनक्रेडिबली लेजीनेस के कारण वो ऐसे ही जिंदगी जीते हैं। अगर कोई गलती से इंटरव्यू और नौकरी की तलाश में निकल जाए तो उनके रेयर पर्सनैलिटी की वजह से उनको रिजेक्शन ही मिलता है। गर्लफ्रेंड से लेकर जॉब पाने के लिए डेली एक्टिविटीज मासूमा फैमिली बिल्कुल भी डल नहीं है। आपको बहुत सी क्रेजी थिंग्स देखने को मिलेंगे और उनके चैलेंज पूरे हो या ना हो, पर आपके लिए फन टू वॉच एंड रेटिंग 8.0। नंबर 4, गोल्डन बॉय एडवेंचर कॉमेडी इच्ची एनिमे। किन तारू एक स्पेशलिस्ट है पार्ट टाइम वर्क करने में। अपनी बाइक पे राइड कर जापान के सभी हाईवे पे घूमता है पार्ट टाइम की तलाश में, जिससे उसका एडवेंचर उसे एक्सपीरियंस देता है जो किसी क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता। किंतारू के लिए हर काम एक एजुकेशनल होता है। फॉर श्योर किंतारू के और जॉब्स देखकर आपको काफी हंसी आने वाली है, क्योंकि इसकी कॉमेडी विद इच्ची एलिमेंट इस एनिमे को इस स्पॉट पे लाती है। एनिमे टोटल 6 एपिसोड का है। जी हां, एनिमे रेटिंग 8.0। कोनोसुबा एडवेंचर कॉमेडी फैंटेसी मैजिकल पैरोडी सुपरनैचुरल एनिमे। इस एनिमे के बारे में कौन नहीं जानता। स्टोरी फॉलोस अपना मेन प्रोटैगनिस्ट एक लाफेबल और पैथेटिक डेथ के कारण काजुमा अपने आप को एक हॉटेस्ट और वियर्ड गॉडेस के सामने पाता है, जो उसे 2 ऑप्शन देती है, कंटिन्यू ऑन टू हेवन और रीइंकार्नेट इन फैंटेसी वर्ल्ड। तो अपना काजुमा न्यू लाइफ चुनता है और साथ ही उसे एक ऑप्शन मिलता है कि वो कोई भी अपने साथ आइटम ले जा सकता है, पर अपना काजुमा जो कि आइटम ले जाने के बजाय स्वयं गॉडेस एक्वा को चुन लेता है। एंड नाउ द एडवेंचर बिगेन। बट अपने काजुमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी गॉडेस एक्वा को चुन के, क्योंकि वो यूजलेस है, अ कम्प्लीटली यूजलेस। सब इनका एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है, और जहां अपना मेन प्रोटैगनिस्ट लड़कियों के पैंटीज चुराना ज्यादा पसंद करता है। एनिमे रेटिंग 8.2। डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज, अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी स्कूल एनिमे। द थ्री क्लोज क्लासमेट ऑफ हाई स्कूल जिनके हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन पैसिनेट इरेशनल पर्सनैलिटीज इनको वियर्ड बनाती है। इनकी लाइफ जायंट रोबोट्स ट्रू लव इंटेंस ड्रामा से भरा पड़ा है, एटलीस्ट इनके कलरफुल इमेजिनेशन में। इन रियलिटी दे आर जस्ट एवरीबॉडी ट्रायो ऑफ ऑर्डिनरी गाइस जो किसी ना किसी तरह अपना टाइम पास करते हैं। बट हु सेड एवरीडेज लाइफ कूडंट बी इंटरेस्टिंग। एनिमे के सरकैज़म चीप हर तरह के जोक्स ही एनिमे को यूनिक बनाते हैं। So, if you are ready for a relatable story, this show is for you. Anime rating 8.3. Now, one and only God anime in parody. Matasechimattana. Gintama, an action comedy historical parody samurai science fiction shonen anime. You see, इस anime पे हमने पहले से review बना रखा है, तो अगर आप इस video को enjoy करना चाहते हैं, तो make sure video को check out कीजिए. एडो पीरियड का समय, जब समुराय होना नॉर्मल था। वन डे एलियन के हमला करने के बाद एलियन और ह्यूमंस अब एक साथ रहते हैं अर्थ पे, और इन एलियंस को अमाटो कहते हैं। अमाटो पॉलिटिकली स्ट्रांग है, और अब समुराय पहले की तरह फ्रीली स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकते। बट इन सभी को साइड रखकर अपने 3 मेन प्रोटैगनिस्ट गेंटोगी, सिनपाची और खागुरा, जो इन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और साथ ही इसके लिए कुछ करते भी नहीं, और ये तीनों वेट पर्सनैलिटी कैरेक्टर एक और जॉब स्टोर चलाते हैं, और इनके और जॉब और से भी ऑड होते हैं। अपने बुरन कटाने से टेररिस्ट से लड़ते हैं, अपने अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ते हैं, और इवन सम टाइम टॉयलेट पेपर की कमी जैसे बिग प्रॉब्लम से भी लड़ते हैं। एंड देयर इज नो एनिमे हु कैन सरपास गिंतामा। एनिमे रेटिंग 9। गिंतामा についてるよ। With that, ये लिस्ट यहीं खत्म होती है, और ये एनिमे लिस्ट हर जेंडर के फैंस के लिए है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। फिर भी इस लिस्ट में आपको को लगता है कि दूसरे एनिमे इस स्पॉट पे होने चाहिए थे, फील फ्री टू कमेंट योर रिकमेंडेशन। तो आपको वीडियो कहीं मजा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ऑसम टॉप 10 वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो कीप वॉच टाकू टॉक्स। अंटिल देन, आरआर, सायोनारा।